प्रयाग पीठाधीश्वर परम पूज ओंकारानंद जी सरस्वती महाराज ललितपुर जनपद में पदार्पण हुआ। इस समय अमर उजाला कार्यालय में गुरुजी का आशीर्वाद सभी स्टाफ को मिल रहा है। हम परम पूज गुरुजी के चरणों में निवेदन करते हैं कि परम पूज गुरुजी हम सभी को ललितपुर वासियों को जो आपका पदार्पण हुआ है उसके लिए संदेश देने की कृपा करें जिससे मानव का कल्याण। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। समाचार पत्र तो हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी उपयोगिता भी है, आवश्यकता भी है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति समाचार का आदान प्रदान बड़ा आवश्यक है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक देश से दूसरे देश तक की यात्रा समाचार पत्र करता है, और समाचार पत्र कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए उपयोगिता इसीलिए रखता है क्योंकि हर विषय को हम जान सकें। सिर्फ राजनीतिक विषय को ही समाचार पत्रों से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि हमारे जो कमियां हैं, हमारे जो अच्छाइयां हैं, हमारी जो बुराइयां हैं, हमारे नगर में जो हो रहा होता है, चाहे वो सत्संग, हमने अभी देखा अमर उजाला ने बहुत अच्छा कार्य किया। हमारी 9 दिन की कथा थी आपके ज़िले में, ललितपुर ज़िले में, और लगभग हर दिन आपने अपना जो कथा का एक विश्लेषण होता है, जो कथा की एक जो है कथा के माध्यम से जो हम लोग मंचों से लोगों को, श्रोताओं को देते हैं, वह सत्संग ये हर दिन की एक सुंदर व्याख्या करके उसको संक्षिप्त रूप से आप लोगों तक पहुँचाए। तो समाचार पत्रों के माध्यम से सिर्फ वही है कि राजनीतिक विषय नहीं बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक और कहीं ना कहीं व्यापारिक, मतलब सब कुछ आपको समाचार पत्रों से प्राप्त हो सकता है। आजकल लोगों ने जो है सोशल मीडिया और बाकी मीडिया को ज़्यादा बड़ा बनाया है, लेकिन जो लिखित रूप से समाचार पत्रों के माध्यम से छोटी सूचना भी, छोटा से छोटा हमारे ज़िले में, हमारे नगर में, हमारे प्रदेश में या हमारे देश में कुछ भी कहीं हो रहा है, तो समाचार पत्र उसको एक अच्छी तरह से उपयोगी समझ करके अब आप लोगों के समक्ष रखता है, हम लोगों के समक्ष रखता है। तो मुझे लगता है कि समाचार पत्र की आवश्यकता आज भी, और मुझे नहीं लगता कि जो है सोशल मीडिया से जो है सारी चीज़ें हमें सुनने को पढ़ने को मिलेंगी, और कई बार एक पक्ष का ही हमें सुनने और पढ़ने और देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर, लेकिन समाचार पत्रों में हर पक्ष हमको देखने को सुनने को मिलता है। और अच्छा लगता है कि एक ही समाचार पत्र में, अगर PM की बात है तो एक ही समाचार पत्र में CM की बात है, एक ही समाचार पत्र में मोदी की बात है तो एक समाचार पत्र में राहुल गांधी की बात है, मतलब समाचार पत्र किसी एक व्यक्ति विशेष का या जो है पार्टी विशेष का नहीं होता है, धर्म विशेष का नहीं होता है। जैन धर्म की बात आए तो जैन धर्म की बात कहेंगे, सिख की आए तो सिख की कहेंगे। तो समाचार पत्र मतलब सबके लिए है, समाज के लिए है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, और प्रत्येक देश में रहे हुए व्यक्तियों के लिए, आप सबके लिए, हमारे लिए। एक सवाल है कि व्यक्ति इसमें तनाव में है, मैंने देखा कल आपने कथा में प्रसंग दिया था भरत का, भरत का चित्रण पूरा किया था, जिस तरीके भरत ने खड़ा होकर लेकर 14 साल का पिछड़े, आज वो चीज़ नहीं दिख रही, उसके पीछे क्या कारण है? भाई भाई के बीच दुश्मनी हो रही है, नेक नेक से जमीन लेने से उन्होंने पूरा राजपाट छोड़ दिया भाई बीच। उसका कारण सबसे बड़ा जो मुझे लगता है, समाज में जिस तरह से जो है बाकी चीज़ें उभर कर आ रही हैं, लोगों को एक तो धन की उपयोगिता लोगों ने आप ज़्यादा समझ ली अपने जीवन में, और संबंधों की उपयोगिता कम समझ ली। जैसे आज हर व्यक्ति को गाड़ी चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, AC लगा हुआ चाहिए, अपनी व्यवस्थाएँ चाहिए, अपने मुख्य रूप से वो अपने सिर्फ पत्नी बच्चों तक ही सीमित रह पा रहा है। उसका कारण ये भी है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आप मतलब 10,000-20,000 कमाने वाला वो अपने बच्चों की सेवा नहीं कर सकता, अपनी पत्नी की सेवा नहीं कर सकता, मतलब उसके लिए बहुत धन चाहिए। अब उसके साथ माता पिता, भाई बंधुओं की भी उसको अगर देख रेख करनी पड़े, सेवा करनी पड़े, तो मतलब एक आम आदमी के लिए कम से कम 70-80 हज़ार रुपये महीने मिले तब वो अपने भाई के लिए भी कुछ कर सकता है, अपनी बहन के लिए भी कुछ कर सकता है, अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर सकता है, माता पिता के। तो जो महंगाई का स्तर है उस तरह से आज लोगों के पास काम नहीं है, कमाई नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक जो है यह स्वरूप बन रहा है कि लोगों के पास महंगाई के कारण और व्यापार व्यवसाय, अब जैसे बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आ गए, अमेज़ॉन आ गया, बहुत सारे ऐसे कंपनीज आ गई। अब जो हमारे घरों के बगल जो दुकानें होती थी, उन दुकानों पे जो है आप सोच के देखें तो व्यापार कितना कम हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे देश से बहुत सारी चीज़ें छीन ली जा रही हैं और हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है। तो हम तो यही मानेंगे कि जो हमारे गली में, मोहल्ले में जो दुकान है, पहले हम उस पर जाएं, और हो सकता है कि वो जो हम ले रहे हैं ऑनलाइन जा कर के, हो सकता है वो जो दिख रहा हो नहीं होता हो, लेकिन हम कम से कम अपने नगर में, अपने गली मोहल्ले में जा कर के अगर कोई वस्तु पदार्थ खरीदे तो हमको दिख तो रहा है कि हम क्या ले रहे हैं। तो एक तो ये है कारण कि हमारे पास धन की कमी है जिस कारण ऐसा व्यवहार नहीं हो पा रहा। दूसरा, राम राज और कलयुग में अंतर होना ही चाहिए, वो त्रेता की बात थी, ये कलयुग की बात है। तो कलयुग तो अपना असर दिखाएगा ही, और कहीं ना कहीं फिर भी
संत समाज, आप जैसे जो है जो सामाजिक लोग हैं, वो कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि हम एक दूसरे को एकजुट करके रखें। आज भाई भाई का होने में दिक्कत है, लेकिन मित्र मित्र अपनी मित्रता इतनी दिखा देते हैं कि लगता है कि उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। तो हमारा मित्रवत व्यवहार भाइयों अपने सगे भाई के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो, और हम मित्रवत रहेंगे तो एक दूसरे से अपनी बात कह सकेंगे। चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी आपस में भाई तो थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति मित्रवत व्यवहार था, इसलिए वो उनके लिए कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी छोड़ सकते थे। और चारों भाइयों ने एक एक करके अपने त्याग का दर्शन कराया है। सिर्फ भरत जी ने ही नहीं, लक्ष्मण जी ने भी अपना पूरा जो है 14 वर्ष का त्याग किया है, शत्रुघ्न जी ने भी अपने जो है 14 वर्षों का त्याग किया है जीवन का। सब ने अपना अपना त्याग किया है, और आज भी हम कर सकते हैं। बस ये है कि हम लोगों में आपस में प्रेम होना चाहिए। हम लोगों के आपस के प्रेम के लिए, जो संबंध बनाने के लिए जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, एक दूसरे को अगर हम थोड़ा सा साथ में रह कर चलें, जैसे एक व्यक्ति का खर्चा आज बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सब संयुक्त परिवार रहता था तो उसका खर्चा कम होता था। संयुक्त परिवार को चीज़ें कम आवश्यकता पड़ती थी, अब चीज़ें बहुत सारी चाहिए। एक ही घर में 4 TV लगेगी तो 4 TV का खर्चा आएगा, और संयुक्त परिवार है 1 TV में 4 लोग बैठ के देखें तो उसकी बात ही कुछ और। तो हमने अपने द्वारा जो है परिवार को जो है छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, तो हमारी व्यवस्थाएं बढ़ गई तो आवश्यकताएं होती गई, और फिर हमारे धन का दुरुपयोग भी होने लगा। तो कहीं ना कहीं आज जो है समाज जो स्तर चल रहा है महंगाई का, जो स्तर चल रहा है काम धाम व्यापार जो नहीं लोगों के पास, उसके कारण कहीं ना कहीं खिन्न इतना ज़्यादा है मानसिक कि वो चाह करके भी अपने भाई के प्रति भ्रातृत्व उतना नहीं दिखा पाता है, जिस प्रकार राम जी ने लक्ष्मण के प्रति, भरत जी ने शत्रुघ्न के प्रति, और चारों भाइयों ने एक दूसरे के प्रति दिखाया। मुझे तो यही लगता है, भगवान कृपा हो आप सब भी अपने जीवन में एक दूसरे से जुड़ें, और भाई के लिए कुछ भी कर सकें तो करते रहें। गुरु जी, हाँ। आपने बुंदेलखंड के जो पर्यटन स्थल है हमारे, रणछोड़ जी का दर्शन किया भी इस प्रवास के दौरान, नीलकंठेश्वर जी भी गए, डोगरासन देवी पर भी गए, विंध्यवासिनी मंदिर भी देखा, तो आपको क्या लगा इधर के वो कलम से विकास के लिए क्या होना? देखिए, जहाँ हम मंदिरों में गए हैं वहाँ कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है, जैसे डोगरासन माता पर जो है सोलर लाइट लगाया गया है जिससे कि 24 घंटे लाइट हो पा रही है, कुछ जगह विकास दिख रहे हैं। लेकिन अभी नीलकंठ को लेकर के बड़ी चिंता होती है। अभी हम गए थे तो हमने देखा कि वहाँ चूँकि पुरातत्व विभाग से वो मंदिर जुड़ा हुआ है, तो अभी तक वहाँ कोई रखरखाव जो उचित रूप से, जो वहाँ साफ सफाई वहाँ की जो है रखरखाव, या वहाँ जो होना चाहिए पूजन पद्धति भी, कोई पंडित नहीं है वहाँ पूजा करने के लिए भगवान का, तो कहीं ना कहीं ये दोष हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जिन मंदिरों को पुरातत्व विभाग ले रखा, कम से कम उन मंदिरों में एक पुजारी नियुक्त हो, और उस पुजारी के द्वारा वहाँ की पूजा पद्धतियाँ कम से कम होती रहें, सुचारू रूप से चलती रहें, जिससे हमारे भगवान का जो है सम्मान निरंतर बना रहे, हम सबके हिंदू धर्म के सनातनियों का भी सम्मान भगवान के सम्मान से है। धर्म से जोड़कर युवाओं के लिए क्या कहें, सबसे बड़ी बात है कि आज जो स्थिति बन रही है, महंगाई का जो स्तर है, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, और उससे भी अधिक अब स्तर हो रहा है कि लोगों के पास काम नहीं है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो है युवा चिंतित हैं कि हम क्या करें, क्योंकि उनके हाथ में व्यापार भी नहीं रह गया, उनके हाथ में कोई जो है भारत सरकार की तरफ से कोई सरकारी जो है ऐसी कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जिससे कि वो आगे बढ़ पाएँ। तो युवा चिंतित हैं कि हम अपने जीवन को कैसे, भविष्य को आगे बढ़ाएँ। कई युवा तो विवाह इसीलिए नहीं कर रहे हैं, 30-35 वर्ष के हो जा रहे हैं कि हम विवाह करेंगे तो हम अपनी पत्नी को क्या खिलाएँगे, हम कहाँ रहेंगे, बच्चों अगर बच्चे होंगे तो पालन उनका कैसे होगा। तो युवा चिंतित हैं, और इसीलिए उस डिप्रेशन में होकर, उस तनाव में होकर के कहीं ना कहीं वो आत्महत्या भी करते हैं, और कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे ऐसे जो है अवगुण भी ले लेते हैं, जैसे मद्रापान करना शुरू कर देते हैं और भी सारे नशे करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं कुछ देर के लिए उन चीज़ों से दूर रह सकूं। तो हम तो यही कहेंगे, युवा शक्तिवर्धक हैं, हमारे भारत के लिए बहुत शक्तिशाली हैं, और युवा ही समय सबसे ज़्यादा है भारत में, जो जनसंख्या का आकलन किया गया उसमें युवा सबसे ज़्यादा है भारत में। तो युवाओं के लिए सरकार को, हमारी भारत सरकार को कहीं ना कहीं बहुत सारी सुविधाएँ, व्यापार के क्षेत्र में अगर वो कुछ करना चाहें, उससे जुड़ा हुआ कोई व्यवहार करना चाहें, तो उसके लिए उनको धन आदि देकर उनको व्यवस्थित करें, कुछ जॉब सरकारी और निकालें, बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे जो भी खाली पड़े हुए हैं, तो इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ अगर भारत सरकार भी थोड़ा सा जो है अपनी तरफ से युवाओं के लिए कुछ कार्य बढ़ाए, कुछ धनराशि दे, तो कहीं ना कहीं जो है युवा संतुष्ट होगा, और ये जो तनाव है वो कुछ कम हो जाएगा। पूरा तनाव तो युवाओं को अपने जो है जिम्मेदारियों से, और अपने आगे जीवन जीने के समय में जो है एकजुट होकर के, प्रेम से रहकर
करके ही तनाव दूर हो सकता है। और हम कहेंगे कि युवा ये जरूर प्रयास करें कि अपने माता पिता से दूर ना रहें, जितना हो सके माता पिता का संपर्क रखें। अगर वो यहाँ दूर आए हैं तो अपने माता पिता को फ़ोन करते रहें, अपने माता पिता से जुड़े रहें, तो इस तरह से ही जो है उनका जो है कार्य सिद्ध हो सकता है और उनका तनाव दूर हो सकता है। अनंत संसार समुद्र सागर नौकाहिताभ्याम गुरुभक्तिराभ्याम वैराग्य साम्राज्य पद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। जय श्री कृष्ण।